दर्शकों, मैं दिव्या खोबरे और आप देख रहे हैं जेटीवी भारत। आइए रुक करते आज के मुख्य समाचारों की ओर। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा एससी एसटी व अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति दी जा रही है। इससे इन वर्गों के छात्र लाभ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ब्राह्मण समाज के छात्रों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा। इससे ब्राह्मण समाज के गरीब बच्चे पढ़ाई में पिछड़ रहे हैं। उनके भीतर प्रतिभा है, परंतु धन की कमी के चलते अपनी प्रतिभा के अनुरूप अवसर प्राप्त करने से वंचित हो रहे हैं। वर्तमान में आपके नेतृत्व में प्रदेश के विभिन्न वर्गों के लिए अनेक जन कल्याण योजनाएं संचालित हैं, जिनसे प्रायः हर वर्ग को लाभ मिल रहा है, लेकिन ब्राह्मण समाज बहुत सी योजनाओं से वंचित हो रहा है। इस विषय को लेकर तालसमस ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष ललिता शंकर दुबे के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध किया गया कि ब्राह्मण समाज के गरीब बच्चों के हित में निर्णय लेकर एससी एसटी अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के समान ब्राह्मण समाज के छात्रों को छात्रवृत्ति देने का निर्णय करने का कष्ट करें। इस बात को लेकर आज तालनगर के सर्व ब्राह्मण समाज एकत्रित होकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन ताल तहसीलदार पारसनाथ मिश्रा को दिया। आज ये जो आपने तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया, किस विषय को लेकर दिया है? ये इसलिए सर्व ब्राह्मण समाज के जो कमजोर वर्ग के बच्चों जी, जो समय पर पढ़ाई नहीं कर सकते पैसे के अभाव में जी, और मुख्यमंत्री अन्य योजना को जो अन्य वर्ग को लाभ दे रहे हैं जी, तो हमने भी एक ये मांग रखी है कि सर्व ब्राह्मण समाज के समस्त बच्चे जो कमजोर वर्ग के लोग हैं जी, उनको छात्रवृत्ति दी जाए ताकि बच्चे आगे चल कर के पढ़ाई कर सके। इसी हम मांग मुख्यमंत्री से हमने रखी है। क्या नाम है आपका? शिवराज सिंह, ललिता शंकर दुबे, सर्व ब्राह्मण समाज अध्यक्ष ताल। ठीक है सर, धन्यवाद।